नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक केएस मीडिया में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube में एक ऑप्शन चेंज हुआ है जो कि क्वालिटी सिलेक्ट करने का। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पहले आप YouTube में क्वालिटी सिलेक्ट करते थे, किसी भी क्वालिटी सिलेक्ट करके आप वीडियो को देखते थे, वो क्वालिटी ऑप्शन वहाँ से आप चेंज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आप शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस ऑप्शन को वापस कैसे आप ठीक करेंगे और किस तरह से इसमें क्वालिटी को आप सिलेक्ट कर पाएंगे पहले की तरह, तो इस वीडियो में आज हम यही बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरी लास्ट से देखते रहेंगे और स्किप मत करिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको YouTube ओपन करना है। YouTube ओपन करने के बाद आपको कोई भी एक वीडियो को सर्च करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि इस कंडीशन में मैं आपको अपने मेरा ही चैनल दिखाता हूँ। मेरे चैनल में दोस्तों, ये मेरा चैनल है, मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ से कोई भी एक वीडियो को आप यहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर एक वीडियो को प्ले करता हूँ। वीडियो प्ले करने के बाद क्या करना है, जैसे कि आपको मान लीजिए क्वालिटी में देखना है, तो क्वालिटी आप सेलेक्ट कम या बेसी जो करते थे वो ऑप्शन चेंज हो चुका है। दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे वो सेटिंग चेंज होगा, क्वालिटी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू पूरी लास्ट तक देखते रहें, बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद क्या करें दोस्तों, आपको जैसे कोई वीडियो आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या है कि वीडियो सब प्ले हो रहा है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे वाली क्वालिटी सिलेक्ट करते थे, यहाँ पर थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ कि क्वालिटी जो लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्वालिटी में पहले यहाँ पर क्लिक करते थे, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता था लाइन से, जो कोई भी आप क्वालिटी सिलेक्ट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि अभी YouTube का नया अपडेट आया निकल के कि वो अभी क्वालिटी सब सिस्टम चेंज कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर 360 जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वालिटी में सिलेक्ट कर रखा है, अब मुझे देखना है जैसे कि यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें दोस्तों, जैसे कि हायर पिक्चर क्वालिटी जैसे लिखा हुआ है, अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा पिक्चर क्वालिटी जो है देखिए चेंज हो चुका है, पूरा हाई क्वालिटी में ये चल रहा है। अब यहाँ पर वापस मैं आगे से थ्री डॉट में जाता हूँ। थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, हायर पिक्चर क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पर सिलेक्ट किया हुआ है। अगर उसे लो क्वालिटी में देखना है दोस्तों, यहाँ पर लो क्वालिटी डाटा सेवर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर देखिए क्वालिटी अपने आप देखिए लो क्वालिटी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे कि उसके बाद यहाँ पर वापस मैं थ्री डॉट में जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जैसे कोई क्वालिटी सिलेक्ट करना है, नीचे दोस्तों ये एडवांस का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये एडवांस वाला ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से उस क्वालिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 360 में था तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से हाई क्वालिटी में ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से वापस थ्री डॉट में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर से जाके आप वो सेटिंग सारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ से आप ऑप्शन चेंज कर पाएंगे। घबराने की दोस्तों कोई बात नहीं है, बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो नया अभी YouTube अपडेट हुआ है, वो क्वालिटी जैसे सिलेक्ट करते थे, उन्हें खुद को नहीं पता होता था कि कैसे करना है, इसीलिए कन्फ्यूज़ हो गए थे। उसके बाद इसी तरह से दोस्तों आप यहां से क्वालिटी को जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां से आप ऑटो रिकमेंडेड कर देंगे तो यहां से ऑटोमेटिक वो जो भी क्वालिटी होगा आपका सब दे देगा। उम्मीद करता दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भाइयों को भी ये हेल्प हो जाए।